गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टोरी की जो कि आपको बहुत बड़ा मैसेज देगी। तो आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है बाज की बुरी लत। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बाज की बुरी लत। तो स्टूडेंट्स, एक बार एक राजा होता है, उस राजा को उपहार में कोई बंदा जो है वो दो बाज के बच्चे भेंट करता है। और स्टूडेंट्स, वो जो बाज है उसकी नस्ल बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है, राजा ने इससे पहले कभी भी इतने जबरदस्त वाले, इतने शानदार जो है बाज नहीं देखे थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, राजा ने क्या किया, एक आदमी, एक काफी एक्सपीरियंस आदमी को डेप्यूट कर दिया कि भाई आप इन बाजों की देखभाल करो। तो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम बाद जो राजा ने देखा कि दोनों बाज जो है राजा के काफी बड़े हो चुके हैं और वो क्या है, पहले से भी क्या लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, राजा ने जो बाजों की देखभाल कर रहा था बंदा, उससे कहा कि भाई आप मुझे ये दिखाइए कि ये बाज कितनी ऊपर उड़ सकते हैं। तो उस बंदे ने उन बाजों को इशारा किया कि भाई तुम उड़ो। तो दोनों बाज स्टूडेंट्स उड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, राजा एक चीज नोटिस करता है कि भाई जो एक बाज है ना वो तो बहुत ऊंचा उड़ रहा होता है, लेकिन जो दूसरा जो बाज होता है ना वो क्या है, थोड़ी देर उड़ता है और वापस आके एक पेड़ की डाल पे बैठ जाता है, मतलब जिस पेड़ पे वो रहते थे। तो ये स्टूडेंट्स, ये चीज देख के हमारे उस राजा को है ना काफी अजीब सा लगता है। तो राजा ने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ, एक बाज तो भाई इतना बढ़िया उड़ रहा है, दूसरा बाज जो है वो उड़ना ही नहीं चाह रहा। तो वो जो सेवक था उसने बोला, जी बिल्कुल आप सही देख रहे हो हुजूर, मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ कि ये जो दूसरे वाला बाज है इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी देर उड़ता है और फिर वापस आ जाता है, वो अपने इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। तो अब हमारा जो राजा है, मैंने बताया वो जो बाज है दोनों अच्छी नस्ल के थे। तो हमारा राजा क्या करता है, वो चाहता है कि दूसरा बाज भी बिल्कुल पहले बाज की तरह ही उड़े। तो वो स्टूडेंट्स एक अनाउंसमेंट करवा देता है पूरे राज्य में कि भाई जो भी बाज, ठीक है, मतलब जो भी इंसान दूसरे वाले बाज को उड़ाने में कामयाब होगा, उसको क्या अच्छे से उड़ाने में पहले बाज की तरह, तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक से एक लोग आते हैं, सब जो है अपनी तरफ से पूरी ट्राई मारते हैं कि भाई हाँ उड़ जाए। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी विद्वान जो है वो दूसरे वाले बाज को पहले वाले बाज की तरह उड़ाना नहीं सिखा पाता है। तो स्टूडेंट्स, फिर थोड़ी देर दिनों बाद जो राजा है वो नोटिस करता है कि भाई एक दिन कि भाई दोनों के दोनों बाज जो है वो आसमान में अच्छे से उड़ रहे थे। तो राजा बड़ा सरप्राइज हो जाता है, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई दोनों दूसरा बाज भी उड़ रहा है। तो वो क्या है, पता लगाता है कि भाई दूसरा कौन सा वो बंदा है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। तो जब उस बंदे को दरबार में बुलाया जाता है, वो जो बंदा जिसने दूसरे बाज को भी उड़ना सिखा दिया था, तो उस बंदे से पूछा जाता है कि भाई आपने ये किया कैसे, मैंने तो इतने विद्वान लगवाए थे लेकिन दूसरा बाज तो उड़ ही नहीं रहा था। तो उस बंदे ने कहा कि महाराज देखो, मेरे को नहीं पता, मैं तो इतना जो है ज्ञान वगैरह के बारे में जानता नहीं, मैं तो साधारण किसान हूँ। तो लेकिन वो कहता है कि महाराज मैंने बस क्या किया, वो डाल काट दी जिस डाल पर वो बाज बैठता था। जब वो डाल ही नहीं रही तो अब क्या है, उस बाज के पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा, वो भी अब दूसरे बाज के साथ उड़ने लगा है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से स्टूडेंट्स जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि देखो, हम सब स्टूडेंट्स ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार जो हम कर रहे होते हैं ना लाइफ में, हम उसके इतने आदि हो जाते हैं, इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम अपनी उड़ान भरें, हम इधर उधर भाई कुछ करें, कुछ नया करें। हम अपने मतलब जो है ना अपनी एक जो कंफर्ट का जो हमारा जो कंफर्ट है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, है ना, जो हम कर रहे होते हैं हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो और उसी डाली पर नहीं बैठा रहना जिसपे आप बैठे हुए हो, डाली से उड़ना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके से अलग कुछ अच्छा और नया करना है, ठीक है, एक ही चीज पे शांत होके नहीं बैठना है, बाज के जैसा नहीं बनना। देखो बाज ने भी जो है जैसे उसकी डाली कटी वो उड़ना सीख गया ना, बहुत ऊंचा उड़ने लगा, ऐसी आप लोगों की भी लिमिट नहीं है, आप भी बहुत ऊंचा जा सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको क्या है, कंफर्टेबल नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।